तो देखिए ये कितना बढ़िया बना है। एक तो ये कुरकुरा सा होता है, साथ ही साथ में इसमें ढेर सारी चीज होती है, तो क्या कॉम्बिनेशन है। चीज कितनी बढ़िया से मेल्ट हो चुकी है और कितनी बढ़िया से इसमें इलास्टिसिटी आई है, कितने बढ़िया से खिंच रही है ये। अगर आपके बच्चे या आप फास्ट फूड के दीवाने हो तो ये वीडियो जरूर आप देखिएगा, ये आप ही लोगों के लिए है। इस रेसिपी में मैंने मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है, और अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो घर में मोज़रेला चीज़ कैसे बनानी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो किस तरह से आसानी से घर में मोज़रेला चीज़ बनाई जा सकती है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं ये वीडियो किस तरह से ये बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है फ्रेंच फ्राइज, ये फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज है। वैसे फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज तो बहुत ही आसानी से दुकानों में मिल जाते हैं, तो मैं यहाँ पे दो लोगों के हिसाब से बना रही हूँ। मैंने मुट्ठी भर से थोड़ा ज़्यादा लिया है। तो यहाँ पे पैन में मैंने तेल गरम कर लिया है, और ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, रिफाइंड ऑयल नहीं है, और ये सिंगदाने का तेल है। तो आँच को यहाँ पे मैंने तेज़ रखा है, क्योंकि जब हम फ्रेंच फ्राइज तलते हैं तो एकदम तेज़ आँच में ही रखना चाहिए, ताकि बहुत ही कुरकुरा सा हो जाए ये। तो तेल यहाँ पे गरम हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे जो फ्रेंच फ्राइज है वो डाल देते हैं तलने के लिए। और आपको तो खैर पता ही होगा कि फ्रेंच फ्राइज किस तरह से तले जाते हैं, तो इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा आपको बताऊँगी नहीं, बस इतने ही बताऊँगी कि आँच हमेशा तेज़ रखना चाहिए ताकि वो कुरकुरे और क्रिस्पी बने। और क्योंकि ये अभी ठंडा है इस वजह से थोड़ा सा तेल चटकेगा। आप यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज को तब तक तल सकते हो जब तक ये हल्का सा गोल्डनिश हो जाए, या फिर इसके जो किनारे होते हैं आलू के वो हल्के से आपको ब्राउन दिखने शुरू हो जाएं। अगर हम सुनहरी होने तक फ्रेंच फ्राइज को तलेंगे तो ये जल्दी से मुलायम से हो जाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हो इसके जो किनारे हैं हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, तो मैं यहाँ तक इसे तलूंगी ताकि ये ज़्यादा वक्त तक कुरकुरे बने रहें। तो ये गर्मा गर्म आलू के फ्रेंच फ्राइज गए प्लेट पर। बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही है, आवाज़ सुनते ही साथ ही ऐसा लगता है कि रेसिपी हटा दी जाए और सिर्फ फ्रेंच फ्राइज फटाफट खा ली जाए। और बस ये जो बाकी के जो आलू हैं उसको भी मैं तल देती हूँ फटाफट। यहाँ पे सारे के सारे जो फ्रेंच फ्राइज है वो मैंने तल लिए हैं। अब फटाफट हम बना लेते हैं बड़ा ही मज़ेदार सा ये स्नैक। तो यहाँ पे मैंने लिया है स्कीवर, लकड़ी का स्कीवर है, बहुत ही आसानी से आपको ये स्टेशनरी की दुकानों में मिल जाता है, या फिर अगर ना मिले तो आपको अमेजोन में तो मिल ही जाएगा। तो ये स्कीवर मैंने लिया है। अब ये स्कीवर के अंदर हम डालने वाले हैं एक एक करके ये फ्रेंच फ्राइज। इस लॉकडाउन के चक्कर में, यानी कि कोविड के चक्कर में, आपको तो पता ही है फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स तो सब बंद हैं, और मिलते भी होंगे तो मुझे पता नहीं है, बच्चे बहुत क्रेव करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो ना कभी मैं इस तरह की स्नैक्स बना के दे दिया जाए तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। तो देखिए मैं एक एक करके ये जो फ्रेंच फ्राइज है वो डालती जा रही हूँ, और ये अच्छे खासे गर्म है, ऐसा नहीं है कि ठंडे हैं। आप ये कोशिश कीजिए कि जो फ्रेंच फ्राइज आप ले रहे हो थोड़े से लंबे हो, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ना हो। तो देखिए मैं एक एक करके यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज डालती जा रही हूँ। यहाँ पे स्क्यूअर में ये तैयार हो चुका है एक, इसे मैं रख देती हूँ साइड में, और दूसरे को भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। तो देखिए मैंने फटाफट यहाँ पे तैयार कर लिया है। ये काम आप बच्चों को भी दे सकते हो अगर थोड़े से बड़े बच्चे हैं, ताकि उनका थोड़ा सा टाइम पास हो जाए और उनको भी आदत हो जाए किचन में थोड़ा सा हेल्प करने की। तो यहाँ पे दोनों तैयार हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चटपटा सा हॉट एंड सॉर टमाटो केचप। आप यहाँ पे जो टमाटो केचप है बहुत ही प्लेन वाला ना लीजिए, थोड़ा सा चटपटा वाला लीजिए तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे जो टमाटो केचप है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा भी फैला सकते हो इसके ऊपर। तो हम यहाँ पे इसे डायरेक्टली रख देंगे तवे के ऊपर। ये तवा पूरी तरह से ठंडा है, क्योंकि इसके ऊपर जो हम गार्निशिंग करने वाले हैं उसके बाद हमें डायरेक्टली इसे गर्म करना है। अब इसके ऊपर हम कुछ इन्ग्रीडियंट्स डालने वाले हैं, जो कि है मोज़रेला चीज़, ये अमूल ब्रांड का है। और इस तरह के जो मोज़रेला चीज़ आपको मिल जाएंगे आसानी से अमूल के आउटलेट्स में, तो मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ को अच्छे से फैला दूंगी। आप चाहो तो इसे भर भर के मोज़रेला डाल सकते हो आपके टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे एक फ्रेंच फ्राइज के ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ अच्छे से डाल दी है, और जो दूसरी फ्रेंच फ्राइज है उसके ऊपर भी मैं डाल देती हूँ मोज़रेला चीज़।
तो दोनों के ऊपर मैंने मोजरेला चीज़ अच्छे से फैला दी है। आप चाहो तो भर भर के भी मोजरेला चीज़ इस पे डाल सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है मैं बहुत ज़्यादा चीज़ की दीवानी नहीं हूँ, तो मैं कम ही चीज़ डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ऑरेगैनो। ऑरेगैनो से तो वाकई बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है रेसिपी में, तो आप अपने हिसाब से ऑरेगैनो डाल सकते हो। आपको कितना चाहिए, कम चाहिए तो कम डालिए, ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिए। तो इसके ऊपर मैं ऑरेगैनो डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर हम डालने वाले हैं चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स आप अपने हिसाब से डालिएगा, अगर ये थोड़ा चटपटा सा हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे दोनों में मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। अब हम इस तवा को रखेंगे गैस के ऊपर। तो गैस अभी मैंने ऑन नहीं किया है, तो अब मैं ऑन कर लेती हूँ। और गैस को मैं यहाँ पे एकदम स्लो पे रखने वाली हूँ। अगर हम तेज़ पे रखेंगे तो फ्रेंच फ्राइज़ तो वैसे भी तली हुई है, तो बहुत ज़्यादा वो जलना शुरू हो जाएगी, तो हम धीमी आंच पे ही इसे पकाएंगे। आप चाहो तो माइक्रोवेव में इसे बेक भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसे ढक देती हूँ, और ढकने के बाद करीबन 5 या 6 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। तो अब मैं चेक कर लेती हूँ। तो देखिए चीज़ यहाँ पे मेल्ट हो चुकी है, तो हमें चीज़ का मेल्ट होने तक का ही इंतज़ार करना है। और ये तैयार हो चुका है और बहुत ही टेस्टी सा लग रहा है। इसका मैं फटाफट कर लेती हूँ प्लेटिंग। मैंने यहाँ पे प्लेटिंग कर ली है, और साथ ही साथ में यहाँ पे मैंने लिया है मेयोनीज। एक प्लेन मेयोनीज है और दूसरी है चीज मेयोनीज। देखिए यहाँ पे गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज विद मोजरेला चीज तैयार हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा यम्मी है। बरसात के मौसम में क्या बात है, ये गर्मा गर्म चीज और फ्रेंच फ्राइज का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो मजा आ जाए। हम यहाँ पे ये गर्मा गर्म खा के देख लेते हैं। देखिए कितना चीज़ी सा है, कितना बढ़िया सा है, क्या इलास्टिसिटी है। बस यही तो चीज़ होती है, भले आप खाओ ना खाओ, इस तरह का ये जो तनता है मोज़रेला चीज़, वो ही देख के मज़ा आ जाता है। आप यहाँ पे स्कीवर को हटा सकते हो, और उसके बाद आप इसे खा सकते हो। आप चाहो तो इस तरह से भी निकाल निकाल के खा सकते हो, जैसा आप पसंद करो वैसा आप खा सकते हो। टेस्ट तो खैर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, जंक फूड का तो टेस्ट हमेशा अच्छा ही होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही आसान से बरसात के मौसम में फ्रेंच फ्राइज विद मोज़रेला चीज़ की रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।